जी अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद MGMT622 लेसन नंबर आप लोगों का है आज का 6। पर्सनल स्किल्स, आपकी जो पर्सनली स्किलफुल आप लोग होते हैं वो सारी चीज़ें आपने इन चीज़ों में पढ़नी है। अच्छा, पर्सनल स्किल्स आपकी किन चीज़ों से बनती हैं? आपकी सेल्फ मैनेजमेंट, जो आप चीज़ें रिफ्लेक्शन आपको हो रही होती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस के आप में क्या सलाहियत है, आप उसमें प्लानिंग करते हो अपनी उस सलाहियत को और अच्छे से स्टेबल करने के लिए मॉनिटरिंग करते हो। उसके बाद उस सलाहियत को, उस स्किल को और अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हो, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं और सेल्फ अप्रेजियल करते हैं कि अपने आप में आपको कितनी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। वो सारी चीज़ें आपके सेल्फ मैनेजमेंट में होती हैं, जितना आप ख़ुद को मैनेज करना चाहते हो अपने उस स्किल के लिए। उसके बाद है इंडिपेंडेंट लर्निंग। आप लोग लर्न कैसे कर सकते हो? प्लानिंग के थ्रू कर सकते हो, अपने आप को मॉनिटरिंग कर सकते हो कि हाँ जी ये सलाहियत मेरे अंदर है, इतनी सी एबिलिटी और अच्छी हो सकती है अगर हम लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट। वही बात है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो सेल्फ मैनेजमेंट में भी आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट वो लर्निंग में भी आ सकती है, और इसी तरह आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपके गोल स्किल्स में भी आएगी। अब स्किल्स को, गोल स्किल्स का मतलब क्या है? आपने एक सेट कर लिया गोल कि आपने जो स्किल हासिल करनी है वो ये है और इतने टाइम में आपने वो चीज़ हासिल करनी है। उसके बाद आपने उसको मॉनिटर भी करना है, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आनी है, प्लानिंग भी करनी है कि क्या चीज़ आपने सलाहियत जो है वो अपने अंदर बिल्डअप करनी है। कौन सी ऐसी सलाहियत है जिसको आप बिल्डअप अपने अंदर करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये तीनों चीज़ें मिला के आपका पर्सनल स्किल बनता है। अब पर्सनल स्किल देख लें, इन्होंने लिखा क्या है आप लोगों के लिए। इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस, अगर तो आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, परसुएट करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, डायरेक्ट एंड कंट्रोल अदर्स, ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाह रहे हो, जारी बात है आपने अपनी स्किल्स, अपनी सलाहियत के थ्रू लोगों को अपनी तरफ माइल करना होता है, मोटिवेट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए क्या करना है? वन हैज़ टू बी सेल्फ अवेयर टू चैनल हिज और हर ऑन बिहेवियर्स एंड टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। तो आपने क्या करना है? एक तो यह है कि आपने अपने बिहेवियर को चैनल करना है, उसके ऊपर नज़र रखनी है कि हाँ जी आपका बिहेवियर इतना अच्छा है, इतना आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी बात जो आप कर रहे हैं उसको सुनते ही लोग आपकी तरफ माइल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और उसके बाद आपने अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि आपको, अगर वो जो कहते थे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, उसके ऊपर कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सनल स्किल में आपका गुस्सा जो एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, उसको कंट्रोल करना हर एक के बस में नहीं होता, लेकिन हम लोग गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी बात को फिर से दोबारा दूसरों तक पहुंचाएं, उनको अपनी तरफ माइल करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बावजूद आप अपनी बात को लोगों से शेयर करें। सेल्फ अवेयरनेस कैन बी इन्हांस्ड बाय टेकिंग द क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली टू इनिशिएट इम्प्रूवमेंट्स। अगर तो हम लोग सेल्फ अवेयरनेस होना चाहते हैं, मतलब हमारे अंदर क्या खामियाँ क्या खूबियाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हम लोगों को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई हम पर ताने कस रहा है कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, तो हम लोगों को वही बात गुस्सा आता है कि हाँ जी कोई हमारे ऊपर ताने कस रहा है या हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। तो एक अच्छा जो इंसान होता है उस क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लेके चलता है और अपने अंदर उस क्रिटिसिज्म के थ्रू इम्प्रूवमेंट लेके आता है। लोगों को बातें सुनाने से बेहतर है कि अपने आप को बेहतर बनाएं। नेक्स्ट है आपकी, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, फीडबैक फ्रॉम अदर्स कैन फैसिलिटेट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग द ट्रू माइनर इमेज। अब जो फीडबैक्स होते हैं वो क्या, किस लिए होते हैं? लोगों की जो बातें होती हैं, एक चीज़ एग्जांपल मैंने आपको दे दी है गुस्सा, उसी को लेके चलते हैं। अब लोग आपको कह रहे हैं कि इसका गुस्सा इतना ख़राब है, ये गुस्सा करता है तो किसी को नहीं सुनता। अब उसमें क्या है कि आप, वो लोगों का फीडबैक है, अब लोगों का फीडबैक आपका माइनर इमेज है, थोड़ा सा इमेज है, लेकिन आप कैसे हो वो आपको पता है। शायद वो इंसान जो है गुस्सा किसी की भलाई के लिए कर रहा हो, लेकिन बाकियों को नजर ना आ रहा हो, तो वो चीज़ उनका माइनर इमेज है, आपके ऊपर क्रिटिसाइज करना, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सच ट्रस्ट वर्दी माइनर इमेज identify the skills needs to be developed, polished and weakened डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल टाइप। और यही चीज़ आपको डेवलप करती है, आपकी स्किल को बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉलिश करती है, जो चीज़ आपके अंदर है उसको और ज़्यादा निखारती है और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपकी स्किल्स टाइप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है पर्सनल स्किल्स आर द वंस हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। अब पर्सनल स्किल होती क्या है? जो हम लोग एक इंफरादी इंसान खुद अपने अंदर सलाहियत रखता है टू परफॉर्म सर्टन टास्क विद परफेक्शन, और उन्होंने वो टास्क पूरा करना है और वो भी परफेक्टली, उसमें कोई नुकसान, कोई वो क्या कहते हैं, नुक्स नहीं होगा। परफेक्टली जो परफॉर्म करेगा एक टास्क, एक असाइनमेंट जो भी, वो आपकी एक इंडिविजुअली पर्सनल स्किल है। अब क्या है, एक मम्फोर्ड था, मम्फोर्ड थॉर्प एंड गोल्ड 2012 में उन्होंने कहा था पर्सनल स्किल्स आर द बेड रॉक। ये क्या है, पर्सनल स्किल्स बेड रॉक है ऑन विच अदर स्किल्स आर बिल्ड। सबसे पहली चीज़ जो आपने अगर बाकी सलाहियतों को अपने अंदर बिल्ड करना है तो पर्सनल स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करो। पर्सनल स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी तो आपकी बाकी भी स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रायर टू डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स वन हैज़ टू परफॉर्म सेल्फ असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द स्किल गैप्स। अब अगर तो आप पर्सनल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो तो उससे पहले आपने क्या करना है, अपने आप की असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आप में कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी सलाहियत है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कौन से गैप्स हैं, कौन सी ऐसी सलाहियत है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वही चीज़ गुस्सा, किसी में ऐसी बात होती है कि वो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और किसी में कुछ ऐसे होते हैं कि गुस्सा कंट्रोल करने के बावजूद भी हम लोग ऐसी बात कर जाते हैं जो लोगों को लगता है कि शायद उसने गुस्सा में बोली हो। अब गुस्सा जो है, बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, शायद इससे आपका ये लेसन जो है क्लियर हो जाए। अब खुद हम लोग, आप भी समझदार हैं, जब हम लोग गुस्से में फैसला भी लेते हैं तो बाद में जब हमें एहसास होता है उस बात को करने में क्या हम लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं वो आकर बात हमें गलत लगने लग जाती है कि हमने जो फैसला लिया था वो गुस्से में लिया था और वो फैसला गलत है। शायद हम लोग ऐसा कर लेते तो हम लोगों को वो नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। अच्छा जी, अगर तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पर्सनल स्किल्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल डिफरेंट रिसोर्सेज आर यूज्ड लाइक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अगर आप लोग एक इंसान, इनफरादी, एक सिंगल इंसान अपने अंदर पर्सनल स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने क्या करना है, अपनी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करने हैं, रेज्यूम्स करने हैं और पर्सनल रिकॉर्ड फाइल्स तैयार करनी है। ये तीनों चीज़ें आपके एमसीक्यूज में आएगा। अब वो कह रहे हैं इन दिस लेसन पर्सनल रिकॉर्ड फाइल आर डिस्कस्ड इन दिस डिटेल। ऊपर तो हो गई थी पर्सनल स्किल्स, अब आ रही है पर्सनल रिकॉर्ड फाइल्स क्या है या फाइल क्या है। इंडिविजुअल्स शुड लिस्ट डाउन द रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड में पर्सनल रिकॉर्ड है तो पर्सनल रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ आएगी, आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आएंगे, आपने कितना पढ़ा है, मैट्रिक, बीएससी, बीएस, एफए, एफएससी जो भी किया हुआ, डिग्री एंड अकम्पलिशमेंट्स, आपकी वो डिग्रीज भी बाकायदा आपके पास प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि आपने पहले जो पास्ट में काम किया वो क्या था और जो अभी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो क्या है। ये सारी आपकी रिकॉर्ड फाइल में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स। ये आप लोगों को भी बताया कि हम लोग जब स्कूल कॉलेज लेवल में होते हैं तो बहुत सी स्पोर्ट्स, डिबेट, कंपटीशन, ये स्टेज ड्रामाज, ये सब कुछ होता है, फंक्शंस वगैरह, इसमें आपकी कितनी पार्टिसिपेशन थी ये भी आपकी रिकॉर्ड फाइल का हिस्सा है कि आपने क्या क्या काम किया है। नेक्स्ट है एंड एनी अदर इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस गेंड थ्रू सोशल एक्सपोजर्स। और अगर आपने कोई और एक्सपीरियंस किया है, मतलब कहीं आप गए हैं ट्रिप के लिए, वहाँ पर कोई इंसिडेंट हो गया, उसमें आपने किसी की हेल्प की, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल रिकॉर्ड में शामिल होती हैं। मतलब एक इंसान का सब कुछ जो उसने पास्ट में कंसिडर किया हुआ अपने लिए, वो आपकी रिकॉर्ड फाइल में शामिल है। Next, maintenance of such records reminds the individual of his or her capabilities and talents which can assist in enhancing any job performance. अब क्या होता है, उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मकसद क्या होता है कि वो अगर वो भूल जाए इंसान, मैं यही कहूँगी कि भूल जाए इंसान तो वो एक दफ़ा रिकॉर्ड फाइल को खोल ले, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक दफ़ा उधर से नज़र डाल सकता है कि हाँ जी मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ है, मैं ये कर सकता हूँ। और अगर वो ना भी भूले तो कहीं और जाना हो, हमने कहीं जॉब अप्लाई करने, जॉब के इंटरव्यू देना हो, वहाँ पे भी हम लोगों को बाकायदा वो एक इतना 2 घंटे का स्पीच देने से बेहतर है कि हम लोग वो एक रिकॉर्ड फाइल उनके सामने पेश कर दें, वो उधर से वो सारे एक ही नज़र में उनको चीज़ें नज़र आ जाती हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का पर्सनल फाइल्स आर मोस्टली सेग्रीगेटेड एज। अब पर्सनल फाइल्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो रही हैं आपकी 5 चीज़ों में। एजुकेशनल हिस्ट्री जो पहली आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट से जिसमें आते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या आप लोगों की जॉब क्या है, अदर एक्सपीरियंसेस वॉलंटरी आर कम्युनिटी जो आपके बाकी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, स्किल्स कम्पीटनेस एंड पर्सनल क्वालिटीज़ आपके अंदर वैसे एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट आपने उसमें आपने अंदर क्या क्या चीज़ डेवलप की है। अब नेक्स्ट जो है इन सारी 5 जो पर्सनल फाइल्स की अलग-अलग उन्होंने आपको डिफ़ाइन किया हुआ था या एग्जाम्पल्स दी हुई थी या नेम दिए हुए थे, उनको डिफ़ाइन उन्होंने कर दिया नीचे। एजुकेशनल हिस्ट्री क्या चीज़ है आपकी, ये डेफिनेशन है ब्लू में अंडरलाइन की हुई, हाईलाइट की हुई, सॉरी। Academic records include the proper documentation of one's education and formal training to ensure individual's knowledge level. आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है कि आपके वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आपने एक रिकॉर्ड फाइल में लगाए हैं, उसमें आपकी ट्रेनिंग भी आ जाएगी कि आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की हो। वो जो कहते होते हैं कि मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया हो, वो सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग में आ जाएंगी। और बाकी जो आपने BA BSc की हुई वो सारी आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री है। अब ये जो कॉपीज़ होती हैं आपने फोटोकॉपी से ही दी होती है, सारी बात अगर किसी को जॉब के लिए जाना तो उन्होंने फोटोकॉपीज़ लेके जानी है अपनी। ये कॉपी सर्टिफिकेट्स की क्या करती हैं, आपको उन लोगों को वेरीफाई करती हैं, सबूत देती हैं कि हाँ जी इस इंसान ने वाकई ही इसकी इतनी एजुकेशन है, और ये जो है प्रूफ उनके सामने मौजूद होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब। This section includes the detail of all details for all jobs either previous or existing held by an individual. पर्सनल फाइल रिकॉर्ड है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की रिकॉर्ड फाइल है, तो इसमें उसी की जॉब के बारे में बताया जाएगा कि उसने पास्ट में कितनी जॉब्स की हैं, उसकी पास्ट में जॉब्स जो छोड़ी हैं उसने वो क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, वो सारी चीज़ें इसी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आती हैं। और अभी आप जो जॉब कर रहे हो वो भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का हिस्सा है। अब एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में क्या आ जाता है, जॉब पोजीशन, कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके वो वहाँ पे पोजीशन क्या है, आप मैनेजर हो, कोवर्कर हो, एम्प्लॉय हो, जो भी हो। जॉब टेन्योर, अवॉर्डेड प्रमोशंस, आपको अगर कहीं जॉब मिली है, जारी बात है किसी भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो तो उसमें प्रमोशंस वगैरह ज़रूर मिलती हैं अगर आपका काम बेहतर हो या अच्छा हो। अच्छा जी, रीजन्स टू लीव द प्रायर जॉब एंड और एनी डिमोशंस, आपको अगर प्रमोशन नहीं मिली तो शायद आप पहले जो है मैनेजर हैं तो उसके बाद आपको डिमोट कर दिया गया हो, कोवर्कर्स में शामिल कर दिया हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आती हैं। अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है तो उसकी रीज़न क्या है, ये भी आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में है। और ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आती है। और द डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग थ्रू वर्क, ये जो सेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने काम से कितना कुछ सीखा है, ये आपका MCQs है। अदर एक्सपीरियंसेस में वॉलंटरी और कम्युनिटी दोनों आ जाते हैं। दिस पार्ट इंक्लूड्स एक्सपीरियंटल इंफॉर्मेशन एंड पोजीशन इन क्लब्स, सोसाइटी और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। अदर एक्सपीरियंस कि आपकी अगर आप किसी कम्युनिटी में, जाहिर बात है आप इंसान हैं, इंसान किसी ना किसी सोसाइटी कम्युनिटी में रह रहे हैं, उसके अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई अच्छा ताल्लुक है या आपकी क्लब में मतलब सोसाइटी में कोई अच्छी पोजीशन पे हैं आप, अगर किसी कोई झगड़ा वगैरह होता है या कोई मसला होता है तो उसमें कोई अगर किसी को सजेशन देते हो तो वो आपकी सजेशन पर गौर करता है और कभी कभी उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। ये सारा आपका अदर एक्सपीरियंस में आ जाएगा। Other informal and non-academic distinctions like achievements in sports and social life are also part of this section. अगर तो आप पहले मैंने बात की किसी सोसाइटी में कम्युनिटी में रहते हो, इसके साथ साथ अगर आप कोई सोशल लाइफ में पार्ट कर रहे हो वही चीज़ आ जाती है स्पोर्ट्स में। कहीं हम लोग जाहिर बात है स्पोर्ट एक अलग चीज़ है ना, तो वो आपकी एजुकेशन में आ सकती है और ना ही वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आ सकती है। तो आपके अदर एक्सपीरियंसेस में स्पोर्ट्स भी आएगा। स्पोर्ट्स में आप क्या शायद किसी टीम के कैप्टन हो, तो कैप्टन का तो वैसे ही लोग बात मानते हैं, रो के मान लें या वैसे मान लें, लेकिन अगर आप टीम के कोई वैसे प्लेयर हो तो वहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप कुछ ज़्यादा मैच्योरिटी रखते हैं तो ये भी चीज़ आपकी अदर एक्सपीरियंस में आ जाएगी। मेंटोरिंग काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एट वर्क प्लेस इज़ आल्सो कंसिडर्ड। हाँ ये भी बात है, मैंने तो स्पोर्ट्स की बात की है। अगर आप कहीं जॉब करते हो, को वर्कर हो, मतलब सिंपली कोई मैनेजर कोई आपके पास हाई पोस्ट नहीं है, तब भी आप सिंपल एम्प्लॉय हो के भी आप किसी को मेंटोरिंग करते हो, मतलब उनको काउंसलिंग करते हो कि ये काम ऐसे होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए। वहाँ पर भी आपको अगर आप किसी को कोई तजवीज़ दे रहे हो तो वो भी आपका एक्सपीरियंस में शामिल हो जाएगा। एज अनऑफिशियल एक्टिविटी देयरफॉर इंक्लूड इन दिस सेक्शन, मतलब बाकी सारे काम जो है आपके वो अदर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है सब टॉपिक कह लो या जो भी है, स्किल्स कॉम्पिटेंस एंड पर्सनल क्वालिटीज़। ये आपका MCQs है। स्किल इज़ द लर्नड एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपने अगर कोई स्किल हासिल करनी है तो उसको आपने हासिल करने के बाद उसको परफॉर्म भी करना है और बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म करना है। स्किल इज़ समथिंग विच कैन बी डिवेलप्ड विद प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत लाजमी भी है जो आपने याद रखनी है कि आप स्किल को डिवेलप अपने अंदर तब कर सकते हो जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे। अब इसकी मिसाल मैं आपको मैथ देती हूँ। मैथ ऐसी चीज़ है जब तक आप बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ जो है वो इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। हाँ कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो वो जो लोग कह सकते हैं कि एक दफ़ा देखेगा तो उसको चीज़ याद हो जाए, लेकिन कोई है जो मेरे जैसा इंसान है तो वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही मैथ को सीख सकता है। स्टेज नोन एज कम्पीटनेस। Completeness आप कब कर सकते हो? इज रीच्ड व्हेन अ पर्सन बिकम्स एक्सपर्ट बाय गेनिंग इनफ नॉलेज एंड पॉलिशिंग द स्किल्स। हम किसी से कम्पीट कब तब कर सकते हैं? कम्पीट करने मतलब क्या था? मुकाबला। अब मुकाबला जो है अगर मैं कहूँ कि आपने जो है किसी के साथ मुकाबला करना है, अब इसमें वो जो कहते होते हैं कि कबड्डी कुश्ती जो भी है, तो वो आप तब तक उससे मुकाबला करके जीत नहीं सकते जब तक आप लोग आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपको सारी चीज़ें पता ना चल जाए कि हाँ जी किस इंसान क्या हम लोग ट्रिक्स यूज़ करेंगे, क्या हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं या लोग दूसरे को बाजी जो है हरा सकते हैं। वो सारी चीज़ें तभी कम्पीटनेस हम लोग रीच कर सकते हैं, उस लेवल तक जा सकते हैं जब हम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। क्वालिटी रेफर टू द पर्सनली ट्रेड विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग अ सर्टन क्वालिटी रेफर्स टू द पर्सनली ट्रेड विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग अ सर्टन टास्क इन अ बेटर मैनर। अब क्वालिटी क्या है कि आपने चीज़ें सीख ली हैं लेकिन अब उसकी क्वालिटी और अच्छे से बनाने का मकसद क्या है? आप अगर किसी बहुत ज़्यादा हाई फाई ट्रेन आदमी के सामने आते हो, अब इसके एग्जांपल फिर मैथ ही देती हूँ। आपने मैथ सीख ली, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद आपके सामने जो है कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसको बहुत अच्छी मैथ आती है, मतलब आपसे अच्छी आती है, तो अब वहाँ पे क्वालिटी मैटर क्या करेगी? आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को जो क्वेश्चन आप दोनों को दिया गया है अच्छे तरीके से एक एक स्टेप वाइज आप चलो और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी बनिस्बत जो आपको स्टेप वाइज चीज़ नहीं दी जाएगी। Although these personally aspects are relatively intangible in nature, but highlighted them through different hobbies like reading, writing, etc. can be demonstrated. अब हम लोग अपने स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं? मैथ की मैंने एग्जाम्पल दी थी, बार बार हम लोग फार्मूलाज रीड करते हैं, बार बार हम लोग लिखते हैं, बार बार चीज़ को देखते हैं, तब हम लोगों में वो जो मैथ के फार्मूलाज हैं वो याद होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। आप पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो? ये तीनों लाइंस इंपॉर्टेंट हैं कि सेल्फ एवेल्यूएशन क्वेश्चनेयर्स, आप अपने आप से क्वेश्चन बार बार पूछें कि हमारे अंदर कौन सी एबिलिटी है, कौन सी स्किल है, हम उसको किस लिहाज से अच्छा बना सकते हैं, हमारे अंदर जो चीज़ है हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं दूसरों के लिए, किस तरह हमारी वो चीज़ जो है वो लोगों के लिए बुरी है और लोग हमें वो चीज़ छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब इस पे गुस्सा आप लोगों का इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आप अपने खुद से क्वेश्चन करो कि हम क्यों गुस्सा होते हैं या हमारा गुस्से की लेवल कितनी ज़्यादा बुरी है, हम लोग किस परसेंटेज तक गुस्सा करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, आप अपने लिए प्लान बनाओ अपने आप की डेवलपमेंट के लिए। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्राम रिफ्लेक्टिव पर्सनल जर्नल्स एंड पर्सनली relevant documents provide information regarding personal development occurred with the passage of time। आपने बार बार अपने अंदर जो चीज़ आप में है वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हॉबी उसको डेवलप करवाओ, अपने खुद से क्वेश्चनेयर करो, उसका प्लान बनाओ, सारी चीज़ें करते हुए आप अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट आपका टॉपिक है ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। क्या चीज़ होता है? इट इज़ अ टूल, ये टूल है टू एग्जामिन द की एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग स्टेटस एंड द पोजीशन वी वांट टू अचीव। हम लोग एग्जामिन करें कि हमारी लाइफ में हम लोगों के पास जो स्किल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है, और अगर है तो हम लोग उसको किस पोजीशन तक लेके जा सकते हैं, या हमारा मकसद जो है हमें हासिल हो जाए। ये प्लान वही होता है ना कि हम लोग प्लान करेंगे हमारी जो चीज़, मैं कहती हूँ कि मैंने प्लान किया है कि हम लोग ट्रिप कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। अब उस प्लानिंग के लिए हम लोगों ने ये भी देखना है कि हमारी जेब में पैसा है, हम लोग जा भी सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखना है कि अगर हम लोग जा रहे हैं तो कंडीशन कैसी है मौसम की, ठीक है, वेदर अच्छा है या नहीं अच्छा, कोई और डिफेक्ट मतलब ना हो जाए, या हम लोग अगर जाएँ तो वापस आने का किराया ना, ये सारी चीज़ें एक प्लान के थ्रू होती है। तो यहाँ पे भी आपकी स्किल्स जो है उसी प्लान का हिस्सा है। दिस एक्टिविटी ऑफ राइटिंग PDP मतलब पर्सनल डेवलपमेंट प्लान हेल्प्स इन गाइडिंग आउट सेल्फ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स ऑफ पर्सनल गोल। ये जो PDP है हम लोग जो राइट करते हैं या हम लोग खुद से पूछते हैं क्वेश्चन, वो इसलिए होता है कि हम लोग अपने आप में ग्रोथ कर सकें, सेल्फ टू गाइड कर सकें, जो भी स्किल्स हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं उनको अपने अंदर डेवलप कर सकें और अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अब वो कह रहे हैं फ्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ गोइंग वेल, क्या चीज़ है जो अच्छी हो रही है, व्हाट इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल, क्या चीज़ है जो नहीं अच्छी हो रही है, व्हाट डू आई नीड टू कीप डूइंग, क्या मुझे क्या चीज़ है या क्या काम है जो मुझे करते रहना चाहिए, क्या काम है जो मुझे छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल अवेयरनेस में आती हैं और आपने PDP में इसको एड्रेस करना होता है, लिखना होता है। दिस प्लान कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनस लाइफ टू एड्रेस। अब इस प्लान में जो जो चीज़ें आप लोगों ने लिखनी होती हैं वो कुछ ये हैं, देख लें। अपीयरेंस एंड क्लॉथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सपोर्टिंग फ्रेंड्स एंड सोशल नेटवर्क, आपको कौन कौन सी चीज़ सपोर्ट कर सकती है इस चीज़ में। लाइफ एम आपका क्या है, हैबिट्स आपकी क्या है, पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं, पीपल आई एडमायर, कैरियर इंटरेस्ट और डिज़ायर्स एंड पैशन, आपका डिज़ायर क्या है, आपका पैशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी PDP में शामिल होती हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको और MCQs में भी आए भी हैं और इंशाल्लाह आएंगे भी, कि वो क्या देते होते हैं कि आपके PDP में सब चीज़ें शामिल हैं एक्सेप्ट, तो MCQs हैं, क्विज़ है, 4 चीज़ें दी होती हैं, एक उसमें से आपकी नहीं मौजूद होगी और बाकी सारी PDP में शामिल हैं। और यहाँ पे आपकी कुछ नाम ये वाले हैं 3 और 3 6 3 9 चीज़ें हैं जो आपकी पीडीपी में शामिल होती हैं। और इसके अलावा आपके बाकी सारे एक्सेप्ट में चले जाएंगे। ये था आपका लेक्चर, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।